ओके ओके, सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ग्रुप 16 एलिमेंट्स, एंड नाउ वी विल सी द केमिस्ट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यस्टरडे वी हैड सीन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। टुडे वी विल सी chemical properties of sulfur dioxide, and here we have several reactions of it, total five reactions. So we'll take the first reaction with chlorine. So reaction with chlorine in presence of charcoal. So sulfur dioxide reacts with chlorine in presence of charcoal will form SO2Cl2. So simple addition reaction, SO2 plus Cl2. Next reaction with oxygen, ये तो आता ही है आपको, sulfur dioxide on oxidation on reaction with oxygen in presence of catalyst कौन सा use कर रहे हैं, vanadium pentoxide, correct? So this catalyst vanadium pentoxide helps in conversion of SO2 into SO3. So sulfur dioxide get converted to sulfur trioxide, or what we can call it as sulfite. Next, reaction with NaOH. So it, when sulfur dioxide is reacted with alkali like NaOH, it forms sodium sulfite. It forms sodium sulfite. And on reaction with further on reaction with sodium sulfite, है ना, वही sodium sulfite को moist sulfur dioxide से react करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, sodium bisulfite, we get sodium bisulfite, we get sodium bisulfite. ओके, तो ये रिएक्शन तो कंटिन्यूएशन में ही हो गई कि सल्फर डाइऑक्साइड को NaOH से रिएक्ट करो, सोडियम सल्फाइट मिल जाएगा, सोडियम सल्फाइट को मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करो तो सोडियम बाइसल्फाइट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, हियर इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट रिड्यूसेस दिस फेरिक आयन, Fe3 positive is ferric, it reduces ferric to ferrous, है ना, oxidation state देखेंगे कम हो गया, plus 3 वाला plus 2 में convert हो गया, that means उसका reduction हो गया, तो it reduces again moist sulfur dioxide reduces ferric ion into ferrous ion, it also reduces potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट रिड्यूसिंग एंड फॉर्मिंग व्हाट, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब सल्फेट ही मिल रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। इट ऑल्सो रिड्यूसेस आयोडीन इंटू हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो अब हमने फिर से यहाँ क्या ले लिया, ये आयोडीन लिया, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड लिया, आयोडीन प्लस मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये आयोडीन को रिड्यूस कर दिया, काय में कन्वर्ट कर दिया उसे, हाइड्रो आयोडिक एसिड में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन क्वाइट सिंपल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। सो रिडक्शन पढ़ना है हमको, फेरिक का फेरस में, पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर एज रिडक्शन ऑफ आयोडीन इंटू हाइड्रो आयोडिक एसिड, ट्वाइस HI में रिडक्शन हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
Next, we take structure of sulfur dioxide. अब स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में इट इज अगेन हैविंग एंगुलर ज्योमेट्री लाइक वॉटर लाइक ओजोन हैविंग एंगुलर ज्योमेट्री एंड वन ऑफ इट इज हैविंग वन ऑफ द ऑक्सीजन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड वाइल अदर ऑक्सीजन इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड द ऑक्सीजन विच पजेस डबल बॉन्ड has two lone pair of electron, whereas the singly bonded oxygen has three lone pair of electron. अब ये resonating structure one हो गया, इसी का resonating structure two बनाएंगे आप, तो उसमें क्या करना होगा, अब double bond की position shift कर दीजिए आप, this oxygen will get the double bond and this will now have a single bond with sulfur. So, 1 and 2 are the resonating structure of sulfur dioxide and structure 3 is a resonance hybrid of it. And this is what the most stable structure of sulfur dioxide. So, where this is pi electron is equally shared by both the oxygen and bond angle is found to be 119.5 degree. कल हमने ओजोन देखा था, ओजोन में क्या बॉन्ड एंगल मिला था हमको, 117 आया था उसका बॉन्ड एंगल, है ना, और 117 आया था हमारा ओजोन का बॉन्ड एंगल और इसका आ गया 119.5. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ SO2. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो इम्पोर्टेंट यूजेस में क्या होगा, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, है ना, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेरियस सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स ऑल्सो. ओके, तो जैसे यहाँ हमने देखा ना, सोडियम सल्फाइड ये मिला अपने को एंड सल्फाइड्स ऑल्सो. It can also be used as a disinfectant and preservative. So sulfur dioxide is also act as a preservative. Even it can be used as a food preservative. है ना? So disinfectant and preservative. Next, for bleaching delicate articles like wool and silk. है ना, वुल एंड सिल्क दे आर वेरी डेलिकेट. अगर आप दूसरे ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं तो दे मे गेट एडवर्सली अफेक्टेड. सो ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वुल एंड सिल्क. एंड नेक्स्ट, इट इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर इंडस्ट्रीज. एंड दिस इज वॉट द प्रॉब्लम विच वी फेस नाउडेज, that it is used in refining of sugar. So sugar ke refining mein SO2 ka use hota, SO2 wahan par SO3 mein convert hota, SO3 water ke sath mix hoke sulfuric acid bana deta. To jo sugar hum log kha rahe hain, refined sugar hai, ekdam badhiya white crystalline milta hai, to wo because kya hai, it is because of SO2. It is used, SO2 is used for the refining of sugar और यही हमारे लिए problem की सबसे बड़ा root cause है. जो sweets हम लोग खाते हैं जिसमें sugar होता है और वो sugar refined sugar है और उसी के कारण बहुत सारे problems nowadays हम लोग देख रहे हैं. एक तो सबसे बड़ा diabetes वाला है कि sugar अगर ज़्यादा intake हो रहा है और यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि उससे डायबिटीज होता है, एसिडिटी बढ़ते जाती है मीठा खाने के बाद. इट इज बिकॉज ऑफ दिस सल्फर डाइऑक्साइड. इसीलिए आप देखते होंगे अगर एडवर्टाइजमेंट, तो एक ब्रांड है मधुर शुगर करके, उसमें लिखा रहता है कि सल्फर फ्री, है ना. मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, वो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कितना डेंजरस है हम जो शुगर खाते हैं वो क्यों तकलीफ हो रही है ना. इंडिया हैज बिकम अ हब ऑफ
डायबिटीज पेशेंट है ना, तो सबसे ज्यादा डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट इंडिया में है। इट इज बिकॉज ऑफ रिफाइंड शुगर, वन ऑफ द कॉज ऑफ इट है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको शुगर जो लेनी है वो रिफाइंड नहीं होनी चाहिए। यू कैन यूज गुड़ इन प्लेस ऑफ दैट, जैगरी यूज कर सकते हैं आप, बट शुगर नहीं करेंगे। तो कमिंग बैक टू सल्फर डाइऑक्साइड, कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज केमिकल रिएक्शन। ये फाइव केमिकल रिएक्शन में इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिएक्शन, देन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री है ना, एंड दिस इज व्हाट द एंगुलर स्ट्रक्चर वी सी एंड वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ इट। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट कम्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रिपरेशन बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो अ प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन फोर स्टेप बट वेरी वेरी इजी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। तो पहले क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिंपल, देन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, कैटालिटिकली जो हमने यहाँ पर भी देखा था है ना। तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गेट ऑक्सीडाइज टू SO3, इजी। देन डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन H2SO4, अब प्रिपरेशन तो H2SO4 का है लेकिन स्मॉलर अमाउंट ऑफ H2SO4 इज एडेड एज ए सीडलिंग है ना, कि सीडलिंग यानी सीडिंग करना बोलते हैं इसको, कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसी में उसके डिसॉल्व करें। तो ये जो SO3 गैस हमें मिला उसको क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ओलियम। ओलियम इज H2S2O7, ओलियम। ओलियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे आगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, H2S2O7। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 गेटिंग ओलियम, दैट ओलियम ऑन डिसोल्विंग इन वॉटर गिव्स 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिसोल्यूशन ऑफ ओलियम, तो उसे वॉटर में ओलियम को डिसोल्व करेंगे, तो यहां पर ये आ गया ओलियम, आपने वॉटर में डिसोल्व किया तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला, और ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट 96-98% प्योर है। तो प्योरिटी इज वेरी हाई एंड वी हैव टू स्टडी दिस प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, करेक्ट। तो एक बार इसको अगर शॉर्ट में आपको याद करना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक सिंपल सी फ्लो लाइन फ्लो चार्ट बनाया तो क्या लिख सकेंगे, कि आपने सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे आप, ऑक्सीडेशन के लिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होना, वेनेडियम पेंटोक्साइड, इट गेट कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ओलियम H2S2O7, और ये ओलियम को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अगया ये पूरी हमारी फ्लो लाइन बन गया, फ्लो चार्ट जैसा हो गया, कि सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, हमारे लिए यही एक नया है, और ये फोर्थ स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो गया। तो ये पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पर हमने देख लिया, एक सिंगल लाइन में आप याद रख सकेंगे है ना।
ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट. तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है. क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? इट इज ए कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड. डेंस यानी ये इट्स वेरी हैवी. आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की एक 2 लीटर 3 लीटर की कैन उठाने में काफी लगता है, बिकॉज छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारा 2 लीटर आ जाएगा. तो कलरलेस डेंस वेरी हैवी ऑयली लिक्विड. हाँ, इट इज स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड. डायबेसिक मीन्स प्रोवाइड्स टू एच प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर. तो डायबेसिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर है ना, एक्वस मीडियम में जब करेंगे तो क्या देता है ये? 2H+ आयन प्लस SO4 2- एक्वस. तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया? 2 हाइड्रोजन आयन. दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज डायबेसिक एसिड है ना. HCl बेटा कितना देता है? 1H+ आयन. तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड. अब H3PO4 अगर लेते हैं हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये क्या देता है? 3H+ आयन. तो ये ट्राइबेसिक एसिड होता है, ट्राइबेसिक एसिड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडेड बाय एन एसिड इज व्हाट वी कॉल एज बेसिसिटी ऑफ इट. वी कॉल बेसिसिटी ऑफ इट. कितने बेस को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है? तो इट न्यूट्रलाइजेस 2 बेस मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई वी कॉल डायबेसिक एसिड. तो ये हो गया डायबेसिक एसिड. नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अभी आगे कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है अल्कोहल्स में, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज है डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नेक्स्ट ऑन रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स है ना. ऑन रिएक्शन विथ नॉन मेटल इट ऑक्सीडाइजेज देम इनटू ऑक्साइड्स. नॉन मेटल जैसे कार्बन सल्फर है ना, तो उनको ऑक्सीडाइज काई में करेगा? ऑक्साइड्स में. बट मेटल्स के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो मेटल्स को कन्वर्ट करता है सल्फेट्स में है ना. इट कन्वर्ट देम इनटू सल्फेट्स. तो ये बात याद रखना है, नॉन मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज टू देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, वेयर एज मेटल गेट ऑक्सीडाइजेस टू करस्पॉन्डिंग सल्फेट्स. इट इज हाईली कोरोसिव एंड प्रोड्यूस ए सीवियर बर्न ऑन स्किन. वेन इन कॉन्टैक्ट विथ स्किन इट प्रोड्यूस वेरी सीवियर बर्न है ना. तो वेरी डेंजरस एसिड टू हैंडल. हाईली कोरोसिव. कोरोसिव का मीनिंग तो समझ गया होगा, करोड करता है. तो किसी भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आया तो वो सरफेस को करोड कर देगा. मेटल रहे, वुड रहे, या आपका स्किन रहे है ना, आपका हमारा स्किन रहे, तो उसको ये बहुत फास्ट करोड करता है एंड प्रोड्यूस ए सीवियर बर्न ऑन द स्किन. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट. करेक्ट है. नाउ वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड कंटिन्यू विथ ओके. वेलकम बैक अगेन फॉर द डिस्कशन ऑफ chemical properties of sulfuric acid. So we had seen preparation of sulfuric acid, physical properties of sulfuric acid. Let us take some chemical properties of it. So as we had seen, it is a diabasic acid. It provides 2H+ ion when dissolved in water. So ek ek single step mein kaise hoti hai reaction, wo dekhne ka hai apne ko, hai na. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, इट रिलीजेज 1 प्रोटॉन. दैट प्रोटॉन इज टेकन अप बाय H2O.
एंड गेट कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोनियम आयन, है ना, ये क्या बन गया अपना हाइड्रोनियम आयन. एंड आफ्टर लूजिंग वन प्रोटॉन दिस H2SO4 गेट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन सल्फेट, तो HSO4-1. सो वन प्रोटॉन इज रिलीज इन वन स्टेप एंड द अदर प्रोटॉन इज रिलीज इन द सेकेंड स्टेप. नाउ दिस HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट releases the second proton, and that second proton is now taken up by water molecule, and once again we get hydronium ion here, and the sulfate ion we get along with it. So ye sab aqueous state mein ho rahi hai reaction, hai na, to aqueous state mein. So this reaction confirms that sulfuric acid is a dibasic acid. It is a dibasic acid, and its Ka value, what is Ka value? Ka is the dissociation constant of acid, and Ka value is very high, and that's why it is a strong acid. So strong acid ki category mein aa jayega ये सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज के ए वैल्यू इज वेरी वेरी हाई. सो दिस इज अबाउट एसिडिक प्रॉपर्टी. नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एंड प्रोड्यूसेस सल्फेट विद द मेटल्स. तो हमने यहाँ पर देखेंगे नॉन मेटल कार्बन ले लिया, कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, ये थर्ड वाली रिएक्शन, तो क्या हो रहा है उसका ऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडाइज कर दिया. सल्फर लिया, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और जो मेटल है कॉपर उसको कन्वर्ट कर दिया सल्फेट्स में. तो हमने लिखा था कि नॉन मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज टू देयर करस्पोंडिंग ऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड. बट व्हेन वी टेक मेटल, है ना, ऐसे प्योर कॉपर मेटल अगर लेते हैं तो वो काय में कन्वर्ट होता है, उसके सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर गेट कन्वर्टेड टू कॉपर सल्फेट प्लस SO2 plus H2O. तो ये रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एक और मैंने प्रॉपर्टी लिखा था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है, कंपाउंड C12H22O11, दिस इज सुक्रोज, है ना, डाइसेकेराइड है सुक्रोज. C12H22O11 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट डिहाइड्रेट्स this sucrose into carbon and water get liberated. So this is dehydrating property of sulfuric acid. So pehle padha acidic property, dusra metals and non-metals ke saath reaction, metals ke saath sulfates banayega, non-metals ke saath mein oxides banayega, dehydrating agent ho gaya. Next, reaction with salts. तो यहाँ भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिएक्शन विथ सॉल्ट. तो यहाँ पर 3 डिफरेंट सॉल्ट लिया हमने, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड. सो दिस 3 सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस देयर करस्पॉन्डिंग सल्फेट, है ना. यहाँ भी देखेंगे आप, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, है ना. ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2- है, तो इसीलिए NaHSO4 KHSO4. अब कैल्शियम बाइवेलेंट है, सल्फेट भी बाइवेलेंट है, तो आपको CaSO4 मिल गया. तो रिएक्शन विथ सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड produces sodium hydrogen sulfate, potassium nitrate on reaction with sulfuric acid produces potassium hydrogen sulfate
and nitric acid. Calcium fluoride on reaction with sulfuric acid produces calcium sulfate and hydrofluoric acid. तो ये भी acids producer है. तो salt on reaction with sulfuric acid produces sulfate and side product comes out as acid. So these are the four reactions of sulfuric acid. Now uses of sulfuric acid. The first application, it is a very important lab reagent. Every lab should have sulfuric acid. Then it is used in storage battery. Storage, आपने पढ़ा ना lead storage battery, जो हम घर में use करते हैं lead storage battery, inverter में use होता है, automobile में use होता है. So that is having sulfuric acid. So very important application nowadays, storage battery. Next, manufacturing of paints and pigments. So various paints and pigments, they have sulfuric acid as an important ingredient. Next important application ek yahan par aata hai, in metallurgy for electrolytic refining of metals. Electrolytic refining of metals, that is the another application of it. And one more application in refining of petroleum product. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी रिफाइन करने के काम में आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड पिगमेंट्स में आता है एंड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी. सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स. One is rhombic, another is monoclinic. Rhombic sulfur and monoclinic sulfur. It is termed as alpha sulfur, whereas monoclinic is termed as beta sulfur. It is quite common, rhombic sulfur, common and stable form of sulfur, whereas monoclinic is stable about 95.6 degree centigrade. Rhombic sulfur, it is a pale yellow crystalline. It is pale yellow crystalline sulfur consisting of S8 structural unit packed in octahedral shape. और वैसे ये S8 sulfur का जो बनता है वो crown shape बनता है, आपने पढ़ा होगा पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम. तो यहां पर ये 8 सल्फर एटम्स आ जाते हैं एंड वी कॉल दिस एज S8 पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ये दोनों में आता है ना. ये भी S8 में ही रहता है, निडिल शेप है लेकिन S8 में है, और ये भी S8 में, लेकिन इसका S8 जो आता है ऑक्टाहेड्रल शेप में और इसका ये निडिल शेप में आता है. तो कमिंग बैक टू पेल येलो क्रिस्टलाइन कंसिस्टिंग ऑफ S8 स्ट्रक्चर यूनिट पैक्ड इन ऑक्टाहेड्रल शेप. मोनोक्लिनिक, इट इज एम्बर कलर्ड. एम्बर कलर्ड आपको पता होगा, जो मेडिसिन लिक्विड मेडिसिन की बॉटल्स आती है वो एम्बर कलर बॉटल होती है ना, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज भी नहीं बोलना चाहिए, ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर है ना, दैट इज एम्बर कलर्ड बॉटल. एम्बर येलो निडिल शेप स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स एंड सोल्यूबल इन सल्फर डाइऑक्साइड. सो सोल्युबिलिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड. सो दिस इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर. नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर विच यू कैन गो थ्रू the textbook or with the my notes. There you get a table consisting of 6 oxy acids of sulfur. The one is sulfurous acid H2SO3, another is sulfuric acid, that is H2SO4, next is pyrosulfuric acid, that is
H2S2O7, the other is peroxy monosulfuric acid, that is H2SO5, and fifth is peroxy disulfuric acid H2S2O8, whereas the last is thiosulfuric acid and it is H2S2O3. So these are the six oxy acids of sulfur. You can go through the textbook or my notes, there you get isme important hai iske structure. Aap structure mein dekhenge ki sulfur ke saath mein ek oxygen minimum double bond mein rahega. If we have more number of oxygen, then we have two double bonded oxygen. Jaise ye structure maine bana liya yahan par, dekhiye aap iska formula bhi mujhe bol sakenge dekh ke. ये देखिए क्या लिखा हमने, सेंट्रल एटम इज सल्फर, वन वैलेंसी विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन. याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, H2SO3 है, थ्री ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन, H2SO3. नेक्स्ट वाले को देखेंगे आप, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, H2SO4. तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एंड वन ऑक्सीजन मिनिमम इज हैविंग डबल बॉन्ड, और H2SO3 में बाद में तो सारे कंपाउंड्स में ये डबल बॉन्ड आपको दिखने वाले हैं. तो स्ट्रक्चर को याद करना है उसको सिस्टमैटिक तरीके से. आपको क्या है, पहले नाम उसका और फॉर्मूला उतना याद रखेंगे आप तो अपने आप स्ट्रक्चर बनते जाएंगे बाद में. ओके, so this is the tip and we have completed here the chemistry of group 16 elements. Tomorrow we will take chemistry of group 17 elements. ab group 17 yani kya hai, halides hai, halogens hai, to easy rahega, le usme kafi important questions banenge group 17 mein. Okay, see you tomorrow.